दोस्तों 7 मई तक विंध्य प्रदेश कोरोना से अछूता रहा। आज 17 मरीज मिल चुके हैं। विस्तृत खबर इस प्रकार है, कोरोना यानी हवा, कोरोना यानी डर, कोरोना यानी मौत। कोरोना के नाम का खौफ देश भर में बना, फिर सेलिब्रेशन शुरू हुआ, थाली दिया पुष्प वर्षा। पहले लॉकडाउन नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3। अब कहा जा रहा है कि कोरोना संग जीना सीखना होगा। इसका सीधा मतलब है आप खुद इस बीमारी के होने से बचें, नहीं बच सकते हैं तो मरें। एक उदाहरण के तौर पर एचआईवी की दवा कहां मिली है? एचआईवी भी एक समय हवा, डर, फिर मौत का नाम था। आज एचआईवी के साथ लोग जी रहे हैं, न हवा है न डर। मौत तो एक दिन सभी को आनी है। इसी प्रकार कोरोना है, इसके संग जीना सीखना पड़ेगा। पहले गले लगाने पर लोग आत्मिक प्रेम मानते थे, अब 2 मीटर दूर रहकर कोरोना नमस्ते कहना होगा। बार बार हाथ धोना होगा। स्वच्छ भारत गांधी जी ने कहा था, अब मोदी जी कह रहे हैं। बार बार हाथ धोना इसी स्वच्छ भारत का एक हिस्सा होगा। अगर वैक्सीन बन जाती है तो कोरोना ठीक होगा, वरना सदैव साथ रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, कोरोना वैक्सीन से ही जाएगा और हो सकता है इसकी वैक्सीन कभी न बन पाए। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बयान दिया है कि इसकी वैक्सीन कभी नहीं बन पाएगी, तो हमेशा कोरोना के साथ आपको जीना पड़ेगा। हां, कोरोना के कारण गांव फिर से आबाद हो चले हैं। शहरी चकाचौंध ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। कम कमाएंगे, रूखा सूखा खाएंगे, मगर गांव छोड़कर अब नहीं जाएंगे। फिलहाल तो हालात यही बयां कर रहे हैं। विंध्य प्रदेश में कोरोना ने सबसे अधिक संख्या सतना को दी है, 7 कोरोना पॉजिटिव सतना में पाए गए हैं, जो विंध्य प्रदेश में रीवा और शहडोल संभाग में सबसे अधिक संख्या है। इसके बाद रीवा, अनूपपुर, शहडोल, इन 3 जिलों में 3-3-3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और सीधी में 1। उमरिया और सिंगरौली अभी अछूते हैं। पड़ोसी जिले कटनी और पन्ना में भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, डर के आगे जीत है, कोरोना संग जीना सीखें। मैं रम्मू सिंह, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर अवश्य बताएं।